में लद्दाख के घरों की विशेषता के बारे में जाना था। हमने देखा था कि लद्दाख की दो मंजिले घरें होती हैं। निचले हिस्से पर पशुएं जानवर रखी जाती हैं और ऊपरी हिस्से पर लोग स्वयं रहते हैं। सर्दी के समय लोग निचले हिस्से पे आ जाते हैं, जानवरों के साथ रहते हैं। निचले हिस्से वाले पे ज़्यादातर खिड़कियाँ नहीं होती हैं। यहाँ की मोटी मोटी दीवारें और लकड़ी के फर्श और लकड़ी के छत ठंड से बचाते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि यहाँ की जलवायु के अनुसार घर का स्वरूप अलग-अलग है। छत का खास उपयोग होता है। छत में ये लाल मिर्च, सीताफल और धान के ढेर सुखाए जाते हैं और कुछ सब्जियां और फल भी सुखाई जाती हैं, जिसका इस्तेमाल ठंड के समय की जाती है, क्योंकि इस समय इन्हें फल और सब्जियां नहीं मिलती है। हम लद्दाख से नीचे हिमाचल प्रदेश मनाली में आते हैं, जो ब्यास नदी के किनारे है। यह एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ते हैं। यहाँ पर मकान पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं। अब हम हिमाचल प्रदेश की तरफ आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ लकड़ी, पत्थर और कुछ ईंटों के घर हमको देखने को मिलता है। आप यहाँ फिगर में दो अलग-अलग इमेज देख पा रहे होंगे। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि परिवेश एक है, जलवायु भी एक है और संसाधन भी वैसे मिलते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति में अंतर, लोगों में अंतर होने के कारण, लोगों के आर्थिक स्थिति में अंतर होने के कारण ये दो अलग-अलग घर देखने को मिलते हैं। इन घरों का निर्माण पहाड़ी क्षेत्र और जहाँ अधिक बारिश होती है, साथ ही बर्फ पड़ते हैं, वहाँ पे बनते हैं। ये घर हिमाचल प्रदेश के घर हैं, आप देख पा रहे होंगे। इनकी छतें ढलवा होती हैं ताकि बारिश का पानी और बर्फ आसानी से नीचे गिर सके। अब हम जम्मू कश्मीर के घरों की विशेषता के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जम्मू कश्मीर का परिवेश और वहाँ के लोगों की आवश्यकता और आसानी से मिलने वाले संसाधन, क्योंकि लोग भी अलग-अलग तरह के आपको देखने को मिलते हैं, तो आप उनके घर भी अलग-अलग देखने को मिलेंगे। डोंगे या कश्मीर में पाए जाने वाले नक्काशी रहित हाउस बोट होते हैं, जिसमें भिन्न भिन्न कमरे होते हैं, जिससे वह कि स्थानीय लोग निवास करते हैं। यह एक स्थायी घर के अंतर्गत आता है। अब हम श्रीनगर के घरों के बारे में जानेंगे। श्रीनगर में बाहर के टूरिस्ट आते हैं जो हाउस बोट में रहते हैं। हाउस बोट 80 फुट तक लंबा होता है और बीच में इसकी चौड़ाई 8-9 फुट होती है। हाउस बोट या फिर बड़े बड़े घरों में आपको उनके ये जो छत पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी देखने को मिल सकता है, जिसे खतमबंध कहते हैं, जो एक प्रकार का जिग्सा फजल की तरह दिखाई देता है। यह आप देख पा रहे होंगे, जो बोट हैं की तरह दिखने वाले डोंगे हैं जो पानी पर तैरते रहते हैं। श्रीनगर के डल लेक में और झेलम नदी में आपको ये डोंगे देखने को मिल जाएंगे। इनमें परिवार रहता है। मकान की तरह इन डोंगे में भी अलग-अलग कमरे होते हैं। आप ये इमेज देख रहे होंगे, यह कश्मीर के गांव का है, जो लोग पत्थरों को काट काट कर एक के ऊपर एक रख कर इसे बनाया है। पत्थरों के ऊपर मिट्टी की पुताई की गई है और लकड़ी का भी इस्तेमाल किया गया है। इन घरों का छत ढलवा होता है। यह जो दिख रहा है इसे डब कहते हैं। यह एक जालीदार खिड़कियां हैं।
जिसमें आप बैठ करके बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। यह एक प्रकार का